पानी बिल्कुल साफ आ रहा है, काफी मजेदार जगह है भाई। इधर भी देखो, नहीं नहीं बस हो गया, हम बहुत बहुत सारा खा लिए, हम बहुत सारा खा लिए। ओके ये लोग हमें ऑफर किए हैं ये खाने के लिए। अपन बहुत देर से गाड़ी को बंद करके आ रहे हैं इसे, और गाड़ी चल रही है भाई। देखो स्पीड देखो, 44-45 स्पीड दिख रहा है ना आप लोगों को। सारे के सारे बाइक हमारे ग्रुप के हैं, जितने भी बाइक हैं यहाँ पे सब बंद है, 6 बाइक हमारे ग्रुप में। और ये देखो नजारा, वाह व्हाट अ वंडरफुल। मुर्गे मुर्गे, अरे अरे मुर्गे के बच्चे। इट्स अ फर्स्ट टाइम कि मैं बिना गाड़ी को स्टार्ट किए हुए जा रहा हूँ 40-50 के स्पीड में इस राइड में, नेपाल राइड में। ये देखो सूरज की रोशनी जो है ना ऊपर से आ रही है, फॉग पे पड़ रही है, आधा फॉग ब्लैक लग रहा है आधा फॉग व्हाइट लग रहा है। भाई साहब बहुत जोरों की ठंड लगने लगी है, जैसे हाथ में लग रहा है कि कुल्फी जम जाएगा। और अब ग्लव्स लगा लेते हैं, ग्लव्स लगाने का समय आ गया, बिकॉज बिना ग्लव्स का जो है ना अगर हाथ सही से जम गया ना तो मैं ठीक से क्लच नहीं ले पाऊंगा, क्या पता कहीं गाड़ी खाई में गिर गई तो। देखो सड़क कैसे है, कैसे चलते सड़क, ऐसे 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 चढ़ते हैं पहाड़ पे। यार क्या खूब नज़ारा देखने को मिल रहा है, हमें कल अपन सब चीज़ों को मिस कर दिए थे बिकॉज रात हो गया था। आय हाय गाड़ी चल रही है अभी 52 की स्पीड, 53 की स्पीड। आय हाय गाड़ी बंद में चल रही है इतनी स्पीड। ये वाले करते हुए कितना कमल लग रहे हैं ना, हम लोगों को लग रहा है ना अगर हम लोग घर इधर रहता तो क्या मजा आता है यार पहाड़ों में राइड करने में, पहाड़ों में घूमने में। बट अगर मैं बात करूँ बेसिक फैसिलिटीज की तो यहाँ पे बहुत ही कम अवेलेबल है, जैसे कि पानी, बिजली, हॉस्पिटल, ये सारे आपको बहुत कम मिलेंगे। लोग पानी के लिए पहाड़ चढ़ते हैं, जाते हैं बहुत नीचे जहाँ पे झरना होता है, वहाँ से पानी भर के लाते हैं ऊपर में पीने के लिए। ठंड बहुत है, क्या दूर रहा है यहाँ से ये लोग। भाई क्या ढूंढ रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो, पत्ती आमला क्या होता है इसका? अच्छा जॉन्डिस चला जाएगा। देखो पहाड़ों में जो है ना बहुत सारे जड़ी बूटी मिलते हैं। अभी अपन कदुबा नाम के जगह पे है, पता नहीं ये कदुबा कहाँ है। और आज देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, वाह व्हाट अ वंडरफुल। हर हर महादेव। भाई यहाँ पे जो नदी में पानी है ना काफी हरा दिख रहा है, अपना भी नदी में भी चलेंगे। आई है देखो यहाँ पे कितना अधिक ढलान है यार, गाड़ी अभी उतर रही है 45 डिग्री से। हम लोग बहुत देर से नीचे उतर रहे हैं बट अभी तक उतरे नहीं है भाई, इस पहाड़ी पर से अपन आए हैं। देख के डर लगता है यार कि अपन इस पहाड़ी पे गए थे। आई है वाह क्या व्यू है यार, सामने से बस आ रही है। काफी गंदा वाला पैस था ये, दिन के 2:45 हुआ है और लग रहा है कि अभी शाम होने वाला है, शाम हो गया है। देखो पहाड़ी बकरियां, घनश्याम जी याद है आपको रात में इसको क्रॉस किए थे? आपको बस दिख रहा है क्या, ये वाला बस है ये देखो। अरे भाई साहब मजा आ गया, इस पेड़ से हम लोग अभी आए ना, नीचे में हमें वहाँ पे एक ब्रिज दिख रहा है, ऑसम लग रहा है ये ब्रिज। यहाँ पे गंदा वाला पैस है, वाह व्हाट अ वंडरफुल, बहुत ही अच्छा बहुत ही खूब मजेदार। बरसों से अपन की चाह थी ऐसे ब्रिज पे आना, और ये ब्रिज देखो इस पे बाइक जाएगी, चार चक्का जाएगी, बसेस जाएगी। वाह क्या नजारा है भाई, पानी बिल्कुल साफ है, हरा है पानी बिल्कुल साफ है, हरा है, काफी मजेदार जगह है भाई। इधर भी देखो भाई क्या कमाल का नजारा है यहाँ पे, वाह भाई इस ब्रिज की क्या खूबसूरती है, काफी मजेदार है, बहुत ही अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पे आने में। हमारा बाइक यहाँ पे चेतक लगा हुआ है, क्या खूब लग रहा है बाइक हमारा यहाँ पे। भाई ऐसा वाला जो ब्रिज है ना काफी कमाल लगता है देखने में, और काफी खतरनाक भी होता है बिकॉज ये दो पहाड़ों के बीच में बना हुआ है और नीचे ये नदी है। किस बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, दूध कोसी पुल, हाँ ये है दूध कोसी पुल। काफी भव्य है, खूबसूरत है, मजेदार है। और अपन इस पहाड़ पर से आए हैं, बहुत ऊपर से आए हैं, ऊपर से इस ब्रिज को अपन देख रहे थे, इस नदी को भी अपन देख रहे थे। एक बार दौड़ा क्या इस पे भाई, यहाँ पे अपन लगभग 10 मिनट से रुके हुए हैं। और एक्सपल्स भाई जिंदाबाद, कितने जिंदाबाद, मनीष भाई कमेर, और मनीष जी जो है ना इस राइड को लीड कर रहे थे। और हाँ ख्याल रख रहे हैं सबका कि कोई पीछे ना रह जाए,
सब लोग अभी आ गए हैं ना? सब लोग हैं, अभी तक सब कुछ सही हुआ है, अच्छा लग रहा है हमें। और भाई ये बड़ा जो नजारा है ना, उसको पवन बहुत मिस करेंगे और अगले साल फिर से आएंगे। बोलिए फिर आएंगे? फिर से आएंगे, पक्का पक्का। अगले बार जो है ना, कम से कम 4-5 दिन का टाइम लेके आएंगे इस चीज के लिए, है ना? एक हफ्ता कम से कम, एक पूरा घूमेंगे, पूरा घूमेंगे। जो चोटी दिख रहा था वहाँ तक जाएंगे। यहाँ से जाने का मन तो नहीं कर रहा है, बट समय बोल रहा है भाई अभी निकलो यहाँ से, जल्दी से निकलना तो पड़ेगा अपन को। मिलते हैं आपको मोटो ब्लॉगिंग मोड में। नदी के साइड से अपन निकल रहे हैं और अभी गाड़ी चल रही है, अच्छा खासा स्पीड को मेंटेन कर रही है। रात में ये सब कुछ भी हम लोग नहीं देखे हुए थे, रात में जो नदी है इसको अपन देखे ही नहीं थे यहाँ पे, बिकॉज अंधेरा था, बस सड़क दिख रही थी हमें और कुछ दिख नहीं रहा था। लेकिन अभी मालूम चला कि भाई हम लोग तो नदी के किनारे किनारे आ रहे थे। यहाँ का देखो नज़ारा कितना बढ़िया है। अपन इस होके जाएंगे, इस होके, इस होके, इस होके, इस पहाड़ से होके फिर अपन नीचे जाएंगे, शायद आगे में नदी क्रॉस करेंगे। वाओ, गाड़ी चल रही है 40 के स्पीड में। बहुत खूब यार, बेहतरीन, क्या खूब नजारा है यहाँ पर यार। हम तोड़ गए जब तुम झुके। क्या लैंड स्लाइडिंग हुआ है भाई, कमाल, इतना बड़ा लैंड स्लाइडिंग। छोटा सा यहाँ पे वाटर क्रॉसिंग है। अरे व्हाट अ व्यू यार, व्हाट अ व्यू मैन। अपन गाड़ी को कर दिया फिर से ऑफ यार। हरकपुर यहाँ से पता नहीं कितने किलोमीटर है, बट यहाँ पे किलोमीटर पे लिखा हुआ था हरकपुर। सैल्यूट है यार आप लोगों को, बिकॉज आप लोगों की वजह से ये सड़क अभी चालू है, चल रही है, हम लोग इस पे बाइक राइड कर पा रहे हैं। वाह देखो समतल खेत वैली, इसे कहते हैं वैली। अगर कैंपिंग करने का हम लोगों का रहता ना इरादा, तो हम लोग ऐसे जगह पे कैंप लगाते गांव के नजदीक इस वैली के अंदर, फिर तो भाई और मजा ही आ जाता, क्या बताऊं। अपन नेक्स्ट टाइम आएंगे ना तो इस वैली में कैंपिंग करेंगे भाई, याद रखना इस वैली में कैंपिंग करेंगे। ओह माय गॉड व्हाट अ व्यू मैन। गाड़ी चलती है 55-60, अगर ब्रेक न लो ना तो 100-150 पे पार हो जाएगी, और पता नहीं अपन कहाँ कहाँ चले जाएंगे। वाह, ओखला दुंगा जिला समाज यूके द्वारा निर्मित ओखला दुंगा भवन, गर्नु भयनो का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन कर दे छ। ओखला दुंगा जिला, हम लोग अभी ओखला दुंगा जिला में है। भाई मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ इसे, मेरे पास वर्ड्स नहीं है भाई इसको एक्सप्लेन करने। और देखो पानी कितने जोरों से बह रहे हैं। एक और ब्रिज को अपन क्रॉस करने वाले हैं उसी नदी के ऊपर, और यहाँ का जो भाई नज़ारा है ना काफ़ी औसम आने वाली है। यहाँ सेल्फी पॉइंट भी है, कुछ लोग यहाँ पे सेल्फी ले रहे हैं। सोन कोसी पुल, वाव वाव, क्या खूब नज़ारा है भाई, मजा आ गया। हम इस पे बाइक को दौड़ाएंगे 100-200 के स्पीड में। वाव, ये वाला पुल नदी और ये वाला वाटर क्रॉसिंग देखो भाई, मजेदार है। एक स्पर्श हमारा निकल जाएगा। निकल जा भाई, निकल जा, निकल जा, निकल जा। अरे आराम से निकल गया। सामने से के झरने से वाटर आ रही है, और अपन इसमें राइड कर रहे हैं। आपका भी देखिए आपके लिए कितना मेहनत कर रहा है, इसलिए आप लोगों में से अभी तक अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नोटिफिकेशन बिल कौन कर रहा था कि आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। अरे भाई चढ़ जा, क्या हुआ? इस वीडियो को अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलता है एक नए वीडियो में अच्छे से ब्लॉग्स के साथ। तब तक के लिए एज ऑलवेज राइड सेफ, ऑलवेज वियर हेलमेट। जय हिंद, वंदे मातरम।